कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए तरह तरह की स्कीम लाकर निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते जमीनी हकीकत पर जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। ऐसा मामला झिंझक विकासखंड क्षेत्र के नगरथा और अकबरपुर ब्लॉक के लहरापुर ग्राम पंचायतों में देखने को मिला है, जहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें गड्ढे मानक व छत मानक से हटाकर साथ ही गुणवत्ता सामग्री में पलीता लगाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध कर ग्राम प्रधान से शिकायत की, लेकिन ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारी अपनी मनमानी के चलते उसको दरकिनार कर ग्रामीणों की आवाज दबाकर अपना काम निकाल रहे हैं। वहीं एडीओ पंचायत रजीश वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा गांव है और मुझे जांच करनी होगी, इसलिए कैसे भी सामान का प्रयोग करूं कोई कुछ नहीं कर सकता। राम प्रकाश कहाँ रहते? इसी गांव नगर था। क्या समस्या है? शौचालय बन रहा है। शौचालय बन रहा है, ये समस्या आगे जो गड्ढे हैं तो वो एक मीटर के खोदे जा रहे हैं और जालीदार सोखते जा रहे हैं, और यहाँ खाली जगह या जो पानी बरसेगा तो ये लेटरिन जो बहेगी बाहर तो गंदगी फैलेगी हम लोगों के मोहल्ले में। आपके द्वारा प्रधान को अवगत कराया गया था? नहीं, ठेकेदार से मैंने कहा था, प्रधान ठेका पे काम हो रहा है। हाँ अच्छा, जो ये जानकारी मिल रही थी, जब से ये बना है इसमें अभी तक तराई नहीं की गई है? ना, तराई नहीं करी है कुछ। कब से नहीं की गई इसमें तराई? अरे तब से कहा भाई, 8-9 दिन 10 दिन से बनो जी हो, जब से तराई रही तो भाई नहीं, जब से लेंटर पर बूंद पानी नहीं हुए पड़ो। क्या आप लोगों ने अभी इसकी कहीं शिकायत की? हमने उन्हें इन पर कही थी। क्या उनके तरफ से पे बोले? हम बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पानी कौन डालने आएगा? सही ये बोल रहे। हाँ ठीक, थैंक यू सर। जनपद कानपुर देहात के एक अकबरपुर ब्लॉक के लहरापुर और झिंझक ब्लॉक के लगड़था गांव में सामुदायिक शौचालय बन रहा है, जहाँ थर्ड क्वालिटी का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। सर देखिए, ऐसे जो भी प्रकरण आए हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, जो ईटा है अधोमानक यूज हुआ है या कोई भी सामान अधोमानक यूज हुआ है, तत्काल उसका संज्ञान लिया गया है और उसको चेंज कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया जैसे मेरे को अवगत कराया, मैंने ये संज्ञान में ले लिया है, तत्काल ये डी डी ओ साहब को निर्देशित कर दिया जाएगा दोनों पंचायतों के बारे में, जो भी अगर अधोमानक सामान आया है तो उसकी जो भी, क्या कहते हैं, लापरवाही है, जो भी इसमें लिप्त है उसकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करके कार्रवाई की। ग्रामीणों ने बताया कि एडीओ पंचायत के होते हुए कोई उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एडीओ पंचायत जो भी है जिम्मेदार है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।